हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 11। हम जा रहे हैं, मम्मी कहाँ जा रहे हैं? बानना पहाड़ जा रहे हैं, पहाड़ वाले घर में जा रहे हैं, जो मेन पहाड़ वाला घर है वहाँ जा रहे हैं। आज वहाँ है शादी, महिला संगीत। सो मैंने सोचा पूरा तैयार हो जाऊँ पहले, फिर आपको गुड मॉर्निंग बोलूँ। देखो हस्बैंड भी तैयार हो गए हैं। मम्मी से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कैसी लग रही है? गुड मॉर्निंग गाइस। कैसी लग रही हूँ? क्या लग रही हो? सही में हो? क्या लग रही हो? मस्त घूमने चल रहे हो? चलो चलते हैं। हाँ आमा शादी में चलते चलो। कल का कल का प्रोग्राम नहीं होता तो आती थी। अच्छा, अब मैं डर गई यार, कुछ हो गया फिर मेरे को डांटेंगे। अम्मा कल आंखों का ऑपरेशन है गाइस। मैं परेशान होऊंगी, मैं डांट खाऊंगी ना। सही कह रहे हो अम्मा, सही। बाद में जाऊंगी फिर, अभी ठीक हो जाऊंगी। ठीक है अम्मा। गाइस अब हम निकल रहे हैं शादी के लिए। अम्मा चलोगे? हाँ हाँ चलोगे। चलोगे? हाँ चलो चलो। चलो चलो फिर चलो। बहुत दिन हो गया अम्मा को देखा नहीं था। देखो अम्मा, देख रही हूँ, आंखें नहीं खुल रही मेरी। ये ब्रश ले जा रही क्योंकि 5-7 दिन वही रहूंगी, तो ब्रश लेना जरूरी है अपना। योगी योगी को देखो, कितनी सुंदर लग रही है। भाभी फेल है। हमरे निकल पीयूष से बाय बाय बाय। ये लोग कोई नहीं जा रहे, इनको किसी को पसंद नहीं, शादी नहीं जाना, सिर्फ मुझे पसंद है। और योगी योगी जरूर जाएगी। हम भाभी नंद का साथ, योगी और मेरा। आंखें नहीं खुली, धूप इतनी हो रही है। इसको अलग बोल दो, सुबह से गाइस ने आपको देखा नहीं है। हेलो गाइस। हेलो गाइस, मैं पहाड़ जा रहा हूँ। बोलो। अपने दादा दादी के घर, बाबा और अम्मा के घर। हाँ हम पहाड़ों के बीच में जा रहे हैं आज। वहाँ पहाड़ी पहाड़ है, सामान देख रहे हो पीछे? बैठने के लिए जगह नहीं है गाइस। कोई सोचेगा मेरे दादी के पास कपड़े ही नहीं है। ये कपड़े भी मांग मांग के पहनता है। ये वासु के कपड़े पहन लाया बाहर से। ये देखो जाएगा, ये गंदे। क्या कर रही हो बुआ के कानों में? मैं खेल रहा हूँ। तो बुआ के टॉप से मिला आपको खेलने के लिए? ओ आदू लड़की, ये आदू गर्ल है, लड़की है। बुआ लड़की है, आप लड़की नहीं हो ना मम्मी? हाँ हाँ नहीं, अभी आती है, तमाशे ही पूरे नहीं होते। पहाड़ इतने नजदीक है, पहाड़ जा रही है ना, पहाड़ी पहाड़ है आज तो। कहाँ जा रहे हैं तुम? भगवान जी अभी पहाड़ आ जाओ। भगवान जी मैं तो अपने पहाड़ वाले घर में जा रहा हूँ। मैं अपनी माँ के घर में जा रहा हूँ। पहाड़ के ऊपर चढ़ा दो लक्की। आदू करे पहाड़ के ऊपर चढ़ा दो। आदू कैसे चढ़ाना है बता। अभी जाएंगे पहाड़ के ऊपर से। ठंडी हवा आ रही है। कितना झूठ बोलता है आदि, कह रहा मैं आपके लिए रो रहा था। कब रो? सबसे ही कहता है। कल मम्मी से भी गैर था, लक्की से भी गैर था, परसों से गैर था, झूठ बोलता है। गाँव में पान अर्च पान, ये पहाड़ नीचे गोला नदी, जय हो गोला मैया। ये है आपका आम का बगीचा। मम्मी आपने यहाँ पढ़ाया स्कूल? अरे बाप रे गाइस, ये मेरी सासू माँ का स्कूल, जहाँ सासू माँ ने स्कूल पढ़ा मेरी। ये है स्कूल स्वतंत्रता सेनानी। नहीं साल हो गए मम्मी? 40 साल हो गए होंगे ना पहले। ये देखो गाइस, देखो बच्चे जा रहे स्कूल से घर। हेलो हेलो हेलो, देखा उन्होंने लेकिन रिएक्ट नहीं किया। रिएक्ट नहीं कर पाए हो। पहाड़ियाँ बिल्कुल करीब है हम पहाड़ियों के। आते कौन गया गाइस? हम पहुंच गए
पहाड़ों में देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, हमें वो वहाँ जाना है, शादी वहाँ है। जैसे वो दिखाती हूँ इतने सारे खेतों को नांग के। तो बहुत बड़ा टास्क है। हाँ तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ा टास्क है। अच्छा तुम्हारे लिए टास्क है ना? नहीं मैं चले जाऊंगी, कौन सा, मैं विदेश थोड़ी ना आई हूँ, चले जाती हूँ। हल्द्वानी में क्या फर्क पड़ता है, कौन सा, मैं चले जाती हूँ। बचपन तो मेरा हल्द्वानी में बीता है यार, कहाँ, यहाँ थोड़ी बीता है, यहाँ तो कभी आयो, अब आई हूँ। ठेठ पहाड़न, और ये देखो कपड़े पहन के बैठी नीचे, और अब पहननी है वो सैंडल। आधे दिख रहा है, आधे दिख रहा गाइस, ये वाली ड्रेस दी है मेरी फ्रेंड दीपा ने आदि के बर्थडे में, आदि ने पहली बार पहनी है आज। आदि यहाँ देखना, हाँ सूस तो लड़की वाली पहन ली, हाँ सूस तो लड़की वाली पहन ली। आ गई विश्व सुंदरी, आ गई, चलो के साथ ऊपर। अब हम जा रहे हैं गांव में जहां शादी है, हम चल रहे हैं। ये है ऊंचाई, मतलब चढ़ाई है, तो मुझे चढ़ा नहीं जा रहा है क्योंकि मेरी आदत नहीं है, मैं हूँ प्लेन्स में रहने वाली, सो होता नहीं है मुझसे पहाड़ों में चला जाना, थोड़ा वेट भी ज़्यादा है तो बिल्कुल भी नहीं चला जाता। तो लक्की मेरी पीछे से मजाक बना रही थी कि तुम कैसे चलोगे ये वो सो, लेकिन मैं चल ली फिर भी आराम से, ऐसी दिक्कत नहीं आई। देखो मैं बड़े प्यार से पहाड़ों में चढ़ रही हूँ, जो बहुत टफ टास्क है मेरे लिए, एक टास्क से कम नहीं। हम पहुँच गए यहाँ शादी में, यहाँ सबों से हालचाल हो रही थी, जान रही थी, मैं व्यू ले रही थी। यहाँ इतना सुकून है क्या बताऊँ, लोग डांस कर रहे थे। पहाड़ों की एक खासियत है कि यहाँ लोग खाना खाने के बाद एकदम से जाते नहीं है, डांस वगैरह सब कुछ देखते हैं, आराम से देखते हैं। योगी आदि को पानी पिला रही है, पापा आदि को खाना खिला रहे हैं। सो अब मैंने कहा मैं भी खाना ले लेती हूँ, तो मैंने लक्की को थमा दिया मोबाइल यहाँ पर, और मैं खुद खाने लेने चली गई। सो मेरी ये मेरी मौसी हैं जो हाय हेलो कर रही हैं, ये भी मौसी हैं, और ये पापा खिला रहे हैं आदि को खाना, और मैं खाना खा रही हूँ। सो मैं बोल रही हूँ कि वहाँ वीडियो बनाओ, दो बच्चे मुझे देख रहे थे कि शायद मुझे पहचान गए होंगे, गांव के हैं। तो ये 3 साल का, ये 4 साल का बच्चा है जो अपने हाथ से खाना खा रहा है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ मेरा बेटा 4.5 साल हो के कि मैं उसे खाना खिलाती हूँ और वो खुद खाना खा रहा था। मम्मी यहाँ पर बोल रही थी कि खाना खा लिया, मैंने कहा हाँ खा लिया। सो ये जीजाजी हैं जो नमस्कार कह रहे हैं, और ये है दूल्हा दुल्हन जिनकी शादी हुई थी कल। सो देखो ये डांस कर रहे हैं आपस में, दुल्हन को थोड़ी शर्म आ रही है, बट दूल्हे को नहीं आ रही है क्योंकि वो फौजी है तो थोड़ा होता ही है, बाहर चला गया है, मस्त होके डांस कर रहे हैं। और ये बस ये बोल रहे थे कि आपका यूट्यूब चैनल है ये वो, सो बात कर रहे थे, गांव के ही हैं, कौन है मुझे पता नहीं, जानती नहीं हूँ, तो मैंने वीडियो बना ली थी इनकी। और यहाँ ये लोग बेबाक होके बिल्कुल मस्त डांस कर रहे हैं एकदम, देखो गांव के लोग कितने अच्छे होते हैं कि सब लोग यहाँ डांस देख रहे हैं उनका। और यही चीज़ शहर में होती तो खाना खा पी के चले जाते अपने अपने घर, कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यहाँ मस्त डांस चल रहा है, सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं गाँव में। यहाँ पर मुलाकातें भी और थी बीच में, लोग आके पूछ रहे थे, मैं और योगी अलग साइड में बैठ गए क्योंकि हम बहुत थक गए थे, डांस देखने का इतना शौक है नहीं। सो यहाँ पर हम वीडियोस भी बना रहे थे और कुछ बातें बता रहे कि मैं 1-2 साल बाद आई हूँ यहाँ गांव में। हमने आदि और योगी ने लड्डू खाने के बाद आदि की खुशी आप देख सकते हो, कितना खुश हो रहा है, कितना सुपर एक्साइटेड है कि मैंने लड्डू खा लिए, हमें लिफाफा भी मिल गया। हम लिफाफा दिखा रहे हैं कि हमें, गाइस हमें लिफाफा भी बहुत टाइम बाद मिल गया है, जिसका बेसब्री से वेट था योगी को और मुझे दोनों को, और आदि को लड्डू खाने का है,
कि मैं कब लड्डू खाऊंगी, देखो देखो मैंने उससे मना किया बेटा मत खाओ पेट खराब हो जाएगा, कह रहा नहीं नहीं होगा पेट खराब और खा लिए। अब यहाँ पर सारे ये आधों को मैं जानती हूँ आधों को नहीं जानती हूँ, ये मेरी आमा है, मेरी नानी की सगी बहन है और लक्की की सगी दादी की देवरानी है। और ये आमा से बात कर रहे हैं लक्की यहाँ पर कि सब हाल चाल ठीक, ये आमा हमें देख रही है कि ये कर क्या रही है, वीडियोस किसकी बना रही है, इस चीज़ की वीडियो कौन बनाता है। तो मैंने आमा को बताया आमा ब्लॉगर हूँ कभी कभार मेरी ब्लॉग देख लिया करो, तो आमा कहती ब्लॉग होता क्या है, मैंने कहा चलो आमा को बताना बेकार है। सो आदि ने यहाँ पर फिर से मूत्र विसर्जन कर दिया है अपना, सीधे नीचे से धार लगा दी है। और ये हमने कहा लास्ट बार चलो एक बार गाने में थोड़ा देख लिया जाए, यहाँ पर टेंट वेंट उड़ हट रहा था। और ये देखो यहाँ पर बुबू हमारे डांस कर रहे हैं मस्त होके, दोनों बुबू और एक आमा तो मस्त थी, मुझसे कहती तू कतू मोट है गए कतू मोट है गए, मैंने कहा आमा मैं क्या बोलूँ आपसे, अब वो आमा यहाँ पर है नहीं, ये मेरी मौसी है सगी मेरी मम्मी की छोटी बहन, ये मेरी आमा है और सासू माँ भी थी वहाँ बैठी हुई, मेरे से बोली थी आमा डांस कर ले, मैंने कहा आमा आता नहीं है। अब हम यहाँ से निकल गए शादी से, सो हम शादी से निकले, आदि बोल रहे चलो घर क्योंकि उसको लूज़ मोशन लग चुके थे तब तक शायद थोड़े बहुत, क्योंकि उसे लड्डू तीन चार लड्डू खा लिए थे, बहुत होते तीन चार लड्डू और खाना थोड़ा सा खाया था। पीछे योगी भी कह रही भाभी चलो अब हम रास्ते में आ गए, ये हमारा गाँव का रास्ता है कच्चा रास्ता है जो कि चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, हमें मिली यहाँ से साड़ी और इसके अंदर है मिठाइयाँ पैसे, योगी दिखा रही है कि भाभी साड़ी मिली है देख लो आपको, मैंने कहा बढ़िया है यार। अब यहाँ पर एक आमा मिली थी, आमा की बात बता रहे हैं शायद कि आमा मिली थी। गाइस नीचे है भियो, भियो समझते हो नहीं समझते हो पता नहीं, मतलब नीचे है खाई, नीचे खाई है और हमारी देखो गाड़ी चल रही है, तो बोल दो हेलो आरू बाबा, आरू बाबा ये बच्चों को बोल रहा है आरू बाबा। आदि यहाँ पर भी शुरू हो गया सुसु करने में, इसकी तो हरकत ही अजीबोगरीब होती। सामान उतार रहे हैं हम पहुँच गए घर। गाइस ये हमारा पहाड़ वाला घर है, दिख रहा है आपको ये वाला हमारा घर है। मान लेके जा रहे हैं अपने घर की तरफ, रास्ता दिखाऊंगी भी आपको। टमाटर मुझसे पहले पहुंच गए, ये चार दिन टमाटर पहुंच गए घर में, पापा तो जा चुके हैं, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ बेवकूफों की तरह, हिम्मत नहीं हो रही मेरी जाने की। सामान यहाँ रखा है, योगी मैडम ले जा रही दो दो सामान, आदि आप भी ले जाओ कुछ सामान, आदि आराम से गधो लड़को ये मजाक नहीं आदि, योगी योगी चलो, योगी चलो जल्दी आदि आराम से चल, बुरा डर मुझे लग रही है, आराम से आ तू। गैया मियां है कहाँ? गाइस हम आ गए फाइनली अपने घर पे, आ तू किसका घर है बेटा, आपका घर है, अच्छा उफ ये आम का पेड़ इसमें छाया आती है काट दिया, ये पापा हैं, घर का नाम है परिश्रम वाटिका धर्मानंद बिजवासी ग्राम बानना 2001-2002 में घर बना होगा तभी इसका लिखा हुआ है। कितना सामान ले आए, उतना सामान ले आए और भी लाना है मौसी, बहुत सामान लाना है, ज़्यादा यार थक गए हम। इसमें आपको वीआईपी इंसान दिखाती हूँ, बिल्कुल वीआईपी, ये है वीआईपी। क्या ला रहे हो? मेंटोस जिंदगी। क्या ला रहे हो? मेंटोस जिंदगी। ला क्या रहे हो? सामान। अच्छा आमा, अरे आदि क्या मट्ठा बना रहा है आदि? हाँ, ये पूरे आदि तो मट्ठा बनाओ बेटा, कैसे बनाते हैं? दूध से, दही से मट्ठा बनाते हैं। अच्छा आप दही से मट्ठा बना रहे हो, दिखा मोटी क्या कर रहे हो? मट्ठा बना रही हूँ, जिंदगी में पहली बार पकड़ा है मैंने पूरी अपनी पूरी जिंदगी में। हैं बन रहा है? पता नहीं हैं, इसको देखो ये बना रहे हैं, हाथ कट जाता है इसमें, ये नापना है।
ये गाय का आटा गूंथ रही है योगी, मुझे पता ही नहीं चला। मौसी गाय का आटा है, हमारा आटा है। बाल्टी ये दिमाग सही में खराब हो गया योगी का। अब योगी दवा खिलाएगी हमें, दवा दो 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 खिलाएगी हमें। जाओ आटा लेके आओ। गाइस ये बना रही हूँ मैं सब्जी, आलू गोभी ये मैंने बनाई है।